लल्ला देख तेरी मैया थक गई है, अब बस कर लल्ला, ताली बजा। कान्हा अब बस कर। ताली बजा, ताली बजा, कोई संकेत तो दे, बता कहाँ है तू। पकड़ लिया। आप भी ना बड़े हो गए हो पर बचपना ना गया आपका ना। उचे कहाँ गया? जी रोकान। फिर से मेरे साथ छल करके भाग गयो और गयो कहाँ? नंदराज, नंदराज, भानु, वो पंछी, अरे राक्षस पंछी, बहुत बड़ा पंछी। भानु राक्षस, राक्षस। भानु क्या क्या हो गो? तुम बैठो, ये सुधा जल लेकर आओ, बैठो। यदि आपको भूख लगी है तो मुझे खा लो, पर मेरे सखाओं को छोड़ दो पंछी जी। आप मुझे ही खा लो, लेकिन कान्हा को छोड़ दो। हम सबको खा लो, पर कान्हा को जीवन दान दे दो। कितनी अद्भुत है प्रभु के सखाओं की ये भावना कि सखा के प्राण को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने को भी तत्पर हैं ये सब। देवराज, वैसे तो प्रभु क्षण भर में सब कुछ संभाल सकते हैं, पर हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। प्रभु की सहायता हमें करनी होगी। हाँ देवराज, प्रभु की सहायता करनी चाहिए हमें। स्वयं नारायण की कृपा है हमारे मित्र पर, उसे छोड़ दो, अन्यथा देवता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर मैं देवता के आने की प्रतीक्षा नहीं करूँगा। मेरे भाई को इसी क्षण मुक्त कर दो असुर, या फिर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारा उधर फाड़ के भी अपने भाई की रक्षा करूंगा मैं। तो फिर आ बालक, तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा देता हूँ मैं। प्रयास करके तो देखो दोस्त, तुम्हारे चोंच के टुकड़े टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम भी बलराम नहीं। प्रार्थना स्वीकार हो गई मधु, हमारे कान्हा की रक्षा करने स्वयं देवता आ गए। करो इंद्र, अपने वज्र का प्रयोग मत करो, तुम्हारे प्रहार से मुझे गुदगुदी हो रही है। पर मेरी ज्वाला गुदगुदी नहीं करेगी वकासुर, जलाकर भस्म कर देगी। क्या बहुत बड़ो? बहुत बड़ो पंछी, पंछी, बहुत बड़ो पंछी, पंछी नहीं वो राक्षस कान्हा को निगल गयो। कान्हा,
इंद्र की जठराग्नि भी तुम्हारी ज्वाला से अधिक तीव्र है अग्निदेव। अब यम का पाशी दंड देगा इसे। पुत्र कार्तिकेय, इस असुर के उदर को फाड़ कर अपने पिता के सखा श्री कृष्ण को मुक्त कराओ पुत्र। मैंने कहा था तुम में से कोई भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तुम देवताओं का तो सामर्थ्य ही क्या, स्वयं देवों के देव महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कृष्ण को अपने उदर में ही बचा जाऊंगा मैं। शिवशंकर का त्रिशूल है, एक ही बार में इस असुर का प्राण ले लेगा ये। हाँ, महादेव का त्रिशूल। कहा था मैंने, स्वयं महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजय हूँ मैं, अजय। प्रभु, आपके त्रिशूल की महिमा तो अपरंपार है, तो फिर ये ठहर क्यों गया? आपने अपने त्रिशूल को वापस क्यों ले लिया महादेव? इस दुष्ट का संहार क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं, मेरे सखा नारायण के अवतार श्री कृष्ण के हाथों ही होगी, और यही विधि का विधान है। पर पिताजी, श्री कृष्ण तो इस असुर के उदर में फंसे हुए हैं, हम उन्हें मुक्त कैसे कराएंगे? ये उन्हें स्वयं ही मुक्त करेगा पुत्र। श्री कृष्ण अपने अपमान से क्रोधित नहीं होते, पर अपने भक्तों का अपमान वो क्षण भर भी सहन नहीं कर पाते। वकासुर यही भूल कर रहा है, हम सबका निरंतर अपमान करके वो उन्हें क्रोध दिला रहा है।
वो ये नहीं जानता कि शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में रख पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा।